जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे. स्टूडेंट्स, आज का जो है हम बात करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की. और इससे चैप्टर में मौजूद एक्सरसाइज की जितने भी सवाल है वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे. सो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, फिलिंग द ब्लैंक्स में. ओनली डैश ऑफ द टोटल अर्थ्स वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल एज फ्रेश वाटर. तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब जो है ये 1% होगा, यानी कि सिर्फ 1% ही जो है वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो फ्रेश वाटर के तौर पे यूज़ होती हैं, और इवन 0.2% वाटर जो है वो पोटेबल है, यानी बर्तनों में डालने के काबिल है, पीने के काबिल है. तो 1% वाटर जो है वही हम यूज़ कर पाते हैं डेली इंडस्ट्री में यूज़ करने के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए. उसके बाद क्वेश्चन है, डैश इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फेयर विच कंसिस्ट ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट. तो इसमें इकोसिस्टम स्टूडेंट्स इसका जवाब होगा, तो इकोसिस्टम आप याद रखिएगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस गैस. कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक हाईली पॉइजनस गैस है एंड कॉज सफोकेशन, ये घुटन करती है एंड जब अगर इनहेल्ड अंदर अंदर ले जाएं जिसमें में, तो इट बिंड्स और बाइंड्स विद ब्लड डैश मोर स्ट्रॉन्गली देन ऑक्सीजन एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द नॉर्मल रेस्पिरेशन. स्टूडेंट्स का जवाब जो है वो हम हीमोग्लोबिन कंसिडर करेंगे, सो हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, द एलिवेटेड कंसेंट्रेशन ऑफ डैश इज हार्मफुल फॉर फिश एज इट क्लोग्स द गिल्स थस कॉजिंग द सफोकेशन. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जो है वो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर ये मछलियों के जो गिल्स होते हैं, आपको पता है सांस लेने की जगह होती है मछलियों की, तो वो सफोकेशन हो जाती है उनको और इससे वो उनकी डेथ हो सकती है, तो एल्यूमिनियम लिखेंगे यहाँ पे. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ओजोन लेयर इन द डैश सराउंड्स द ग्लोब एंड फिल्टर्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इन द सनलाइट बिफोर दे कुड रीच द अर्थ. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ओजोन लेयर है वो हमेशा स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में. तो इसका जवाब जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर होगा, सो स्ट्रेटोस्फेयर इज द राइट आंसर. इसके बाद क्वेश्चन किया जा रहा है, स्टूडेंट्स द प्रेजेंस ऑफ डैश इन द लाइफ स्टॉक वेस्ट कैन कंटेमिनेट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर कॉजिंग वेरियस इन्फेक्टिशियस डिजीजेस. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या चीज़ जो है वो लाइफ स्टॉक में ऐसी वेस्ट होती है जो सारा सरफेस भी कंटेमिनेट करती है और ग्राउंड वाटर को भी कंटेमिनेट करती है और बहुत सी बीमारियाँ फैलाती है. तो इसमें हम जवाब देंगे इसका आपको, केमिकल एंड बैक्टीरियल कंटेंट्स. ये जो केमिकल्स होते हैं और बैक्टीरियल कंटेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी, द सब्सटेंसेज विच कैन डायरेक्टली किल द अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड. ऐसे सब्सटेंसेज जो कि मार देते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह को, उनको आप क्या बोलोगे? तो स्टूडेंट्स उनको जो है हम पेस्टिसाइड्स का नाम देंगे, सो पेस्टिसाइड्स इज द राइट आंसर. उसके बाद डैश इज फ्रीक्वेंटली यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर. तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो क्लोरीन गैस को जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, तो क्लोरीन गैस जो है दैट इज़ फ्रीक्वेंटली यूज टू डिसइनफेक्ट वाटर. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, इंसिनरेशन इज नॉट अ क्लीन प्रोसेस बिकॉज इट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन एंड टॉक्सिक टॉक्सिक ऐश. तो टॉक्सिक ऐश जो है आपने याद रखना है. उसके बाद नेक्स्ट है जी, अ प्रोसेस इन विच सम ऑफ द यूज्ड और वेस्ट मटेरियल्स आर नॉट डिस्कार्डेड आफ्टर देयर इनिशियल यूज बट आर प्रोसेस्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन इज कॉल्ड. दैट इज बेसिकली स्टूडेंट्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट को स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा. सो ये थे हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स, और अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स होंगे, ठीक है, गलत दुरुस्तगी की हम बात करेंगे. स्टूडेंट्स अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें और ट्रू फॉल्स को स्टडी करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे जो है वो पहली स्टेटमेंट ये दी जा रही है कि हाफ ऑफ द मास ऑफ द एटमोसफेयर इज कंसनट्रेटेड इन लोअर देन 10 किलोमीटर. तो स्टूडेंट्स ये बात सही नहीं होगी, क्योंकि 10 किलोमीटर नहीं, तकरीबन इसका जवाब जो है 10 किलोमीटर में हाफ नहीं है, तकरीबन कोई 70% से ज़्यादा जो है कह लें कि जो मास है एटमॉस्फेयर का वो 10 किलोमीटर में मिलता है, तो लिहाजा ये फॉल्स स्टेटमेंट है. उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जा रही है, द ओशंस कवर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ दी अर्थ. तो ये बात सच है, ट्रू है. उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जा रही है, द वॉल्केनोज प्रोड्यूसेस 55% ऑफ द सल्फरस डाइऑक्साइड गैस.
तो शायद ये बात काफ़ी हद तक गलत है। ये सही बात क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद स्टूडेंट सवाल किया जा रहा है, द रिड्यूसिंग स्मोग इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी जो स्मोग जो है जो कम हो रही है, बल्कि जो रिड्यूसिंग स्मोग यानी स्मोग पैदा होती है जो रिड्यूसिंग इफेक्ट रखती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से जो है होती है। ये भी बात जो है गलत लिखी हुई है। इसका आंसर क्या हो सकता है, यानी रिड्यूसिंग स्मोक जो है वो किस वजह से होती है, इसका आप कमेंट करके जवाब बताओ। उसके बाद अगला सवाल है पांचवा, ओजोन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द पोलर रीजन बाय द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ये भी बात गलत है कि ओजोन जो है वो पोलर रीजन्स में नहीं बनती, मिडो स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। ये बात गलत है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन किया जा रहा है, द टेम्परेचर इन द ट्रॉपोस्फेयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम 15 टू -56 डिग्री सेल्सियस। छठे सवाल में ये बात किसी हद तक सच है, क्योंकि आप जब ऊपर जाते हो ऑल्टीट्यूड में ट्रॉपोस्फेयर की तरफ से ऊपर जाते हो तो फिर 15 डिग्री रूम टेम्परेचर है, -50 तक चली जाती है बात, 53-50 तक। ये बात सच है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जा रही है, इंसिनरेशन इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच सॉलिड वेस्ट इज़ डम्प्ड इन द लैंडफिल। ये गलत है, इसको जलाया जाता है, तो लैंडफिल में डंप नहीं किया जाता, तो सातवां भी गलत हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आठवें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसिड रेन इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन विच गेट मिक्सड विद द रेन वाटर। एसिड रेन जो है वो होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये जो आठवां है सवाल ये सच है, ये बात सच लिखी हुई है। उसके बाद स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन की बात की जा रही है, द हैवी मेटल्स हैव अ सेफ लिमिट वेयर दे आर नॉट टॉक्सिक, यानी हैवी मेटल जो हैं इनकी एक सेफ लिमिट होती है जब ये टॉक्सिक नहीं होते। ये बात भी सच है, किसी लिमिट तक ये सही रहते हैं, उसके बाद ज़्यादा हो जाएँ तो फिर ये टॉक्सिक हो जाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है, द रीप्रोसेसिंग ऑफ द प्लास्टिक्स इज़ टू कन्वर्ट बैक टू देयर कॉम्पोनेंट्स बाय केमिकल और थर्मल प्रोसेस सो दैट दीज कैन बी यूज अगेन। ये बात सच है, नहीं ये बात झूठ है, क्योंकि रीप्रोसेसिंग ऑफ प्लास्टिक जो है वो शायद मुश्किल काम है, ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो बिल्कुल भी रीप्रोसेस नहीं होते। स्टूडेंट्स ये थे ट्रू फॉल्स, अब चलते हैं हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द पीएच रेंज ऑफ द एसिड रेन इज, एसिड रेन की पीएच रेंज क्या होती है, तो ये 6 से 5.6 तक होती है। ये बात सच है, सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन से पूछा जा रहा है ये सवाल, परऑक्सीटाइल नाइट्रेट, परऑक्सी एसीटाइल नाइट्रेट यानी पैन जो है इरिटेंट टू द ह्यूमन बींग्स एंड इट इफेक्ट्स, पैन जो है इरिटेंट है नो डाउट ह्यूमन बींग्स के लिए और आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है, स्टमक ईयर्स नोज को नहीं करता। आइज़ यानी ये गैस होता है, ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, इसलिए ये बड़ा ख़तरनाक है आंखों के लिए। उसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट पूछा जा रहा है, टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स विद क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये अवॉइड कर लें कि टॉक्सिक कंपाउंड जो है वो ना बने, तो क्लोरीन विच सब्सटेंस इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग वाटर, तो क्लोरीन के अलावा क्या हो सकता है। द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विद क्लोरीन प्रोड्यूसेस टॉक्सिक कंपाउंड इन ऑर्डर टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ सच कंपाउंड वी यूज ओजोन और क्लोरिक ऑक्साइड। ओजोन यूज़ करोगे या क्लोरिक ऑक्साइड, यहाँ पे मैं क्लोरिक ऑक्साइड भी लिख देता हूँ, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स, तो तकरीबन 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो एक सिंगल क्लोराइड रेडिकल जो है वो फ्री रेडिकल मसला कर सकता है। तो दीज फ्री रेडिकल्स और एरोसोल स्प्रेज आर नॉट गुड, तो ज़रा कोशिश किया करें कि कोई रेफ्रिजरेंट वगैरह और एरोसोल स्प्रेज का इस्तेमाल कम ही हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स पांचवा मल्टीपल चॉइस, फंगीसाइड्स आर द पेस्टिसाइड्स विच कंट्रोल, फंगस को स्टूडेंट्स कंट्रोल करेंगे क्योंकि फंगीसाइड्स हैं, तो लिहाजा फंगीसाइड्स का लफ्ज़ ज़ाहिर है कि ये पेस्टिसाइड्स हैं नो डाउट, जो फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे। ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं अपने छठे सवाल की तरफ। स्टूडेंट सिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इकोसिस्टम इज स्मॉलर यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम किस चीज़ का स्मॉलर यूनिट है, तो ये बायोस्फीयर का स्टूडेंट्स स्मॉलर यूनिट है क्योंकि इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंट्रैक्शन विद द एनवायरनमेंट, लिहाजा हम बायोस्फीयर पे टिक लगाएंगे, यानी डी ऑप्शन जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है सातवां सवाल,
द मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर टैनरीज यानी लेदर इंडस्ट्री में बनने वाला पोल्यूटेंट इन द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू द सॉल्ट ऑफ. तो क्यों ये लेदर टैनरी से एक वेस्ट जाता है पानी में, वो कौन सा है? तो क्रोमियम फोर यानी चार वैलेंसी रखने वाला क्रोमियम जो है इज़ द मेन पोल्यूटेंट, कह लें कि लेदर टैनरीज का जो वेस्ट वाटर के तौर पे जाता है. सो इट इज़ वेरी हार्मफुल. चलते हैं आठवें सवाल की तरफ. स्टूडेंट्स, आठवां सवाल किया जा रहा है कि इन प्योरीफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द कोएगुलेंट यूज, यानी पोर्टेबल वाटर में जो है वो क्या कौन सा कोएगुलेंट यूज़ होता है. तो इन द प्योरीफिकेशन ऑफ पोर्टेबल वाटर द पोटाश एलम इज़ यूज एज कोएगुलेंट. तो पोटाश एलम को जो है हम यूज़ करते हैं बतौर कोएगुलेंट, तो पोटाश एलम जो है इसका ठीक आंसर होगा. सो यहाँ पर ये खाली एलम लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं पोटाश एलम. सो डी इज़ द राइट आंसर. उसके बाद वी जस्ट मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द नाइन्थ क्वेश्चन. सो नाइन्थ क्वेश्चन पूछा जा रहा है द टेम्परेचर इन विच द इंसिनरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड हैजर्डस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस हैज रेंज. कौन इंसिनरेशन का टेम्परेचर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? तो 950 से 1300 डिग्री का ये टेम्परेचर होता है. सो सी इज़ द क्लोजेस्ट आंसर. स्टूडेंट्स, के बाद आखिरी दसवां एमसीक्यू पूछा जा रहा है कि न्यूज़पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, और कितनी दफ़ा ये रिसाइकल हो सकता है. तो तकरीबन 5 दफ़ा स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर को जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है. सो लिहाजा 5 टाइम इज़ द राइट आंसर. सो डी इज़ द राइट आंसर. सो ये थे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा, और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, और कमेंट में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, और मजीद क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए कौन सी वीडियो बनाऊँ मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ख्याल रखिएगा.